मेरे को डांस कराता है यार, मैं उसको क्या सिखाऊंगी यार। फारा खान भले ही सबको अपने इशारों पर नचाने के लिए जानी जाती हो, लेकिन आजकल तो शाहरुख खान फारा को अपनी उंगलियों पर नचाकर उन्हें करा रहे हैं जंपिंग जपाक थंपिंग थपाक। अरे वो मेरे को डांस कराता है यार, मैं उसको क्या सिखाऊंगी यार। दरअसल फारा ने ये रिएक्शन दिया अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैप्पी न्यू ईयर को लेकर, जिसके स्क्रिप्ट तो फारा ने शाहरुख को बर्थडे पर उन्हें गिफ्ट कर दी। हाँ जी, मैंने उनको एक बहुत कीमती तोहफा दिया, बाउंड स्क्रिप्ट ऑफ हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन अफसोस, शाहरुख फिल्म की लीड हीरोइन का नाम फाइनल करने को राजी ही नहीं, इसीलिए फारा इन दिनों बिल्कुल फुर्सत में है। फुर्सत में हूँ जब तक हैप्पी न्यू ईयर नहीं शुरू होती, इसलिए मैं रोज जिम जा रही हूँ और कसरत कर रही हूँ। दरअसल फारा चाहती है कि हैप्पी न्यू ईयर में वो शाहरुख के ऑपोजिट इंडस्ट्री की किसी टॉप नॉच हीरोइन को कास्ट करे। बट रिपोर्टेडली शाहरुख की ख्वाहिश है कि हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा को बनाया जाए, लेकिन क्वीन खान गौरी के डिसअप्रूवल के चलते प्रियंका शाहरुख के ऑपोजिट हैप्पी न्यू ईयर में एंट्री नहीं ले सकती। दीपिका ऑलरेडी शाहरुख के साथ चेन्नई एक्सप्रेस कर रही हैं, कैटरीना और करीना के पास डेट्स नहीं है, और बची सोनाक्षी सिन्हा तो फारा ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर के लिए सोनाक्षी को कभी अप्रोच किया ही नहीं और शायद करेंगे भी नहीं। ले देकर सुई फिर शाहरुख के साथ कई हिट फिल्म्स देने वाली प्रियंका पर ही आकर अटक जाती है, और रिपोर्टेडली शाहरुख भी पीसी के साथ अपनी हिट जोड़ी को रिपीट करने का लालच नहीं छोड़ पा रहे, जिसकी वजह से फारा को बेलने पड़ रहे हैं पापड़, और अब फारा के पास बचा है बस यही रास्ता। उसकी हीरोइन अभी तक हुई नहीं है, थोड़ी और पतली हो जाऊंगी तो मैं ही उस फिल्म की। वेल, ऑल इन ऑल मिलियन डॉलर क्वेश्चन अभी भी यही है कि आखिर कौन होगी फारा की मच अवेटेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की लीड हीरोइन। उसकी हीरोइन अभी तक हुई नहीं है। सो वी जस्ट होप कि फारा को जल्द ही अपने सवालों का जवाब मिल जाए और हैप्पी न्यू ईयर को फ्लोर पर जाने के लिए ना देखना पड़े एक और न्यू ईयर।